लेकिन उत्तराखंड में आज बीजेपी में शोक की लहर देखने के लिए मिल रही है। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के वरिष्ठतम विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। बीजेपी की पहली निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे कपूर साहब कैंट क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ और सियासी व्यवहार कुशलता और सर्वथा उपलब्धता के चलते काफी सबके प्रिय बनकर रहे थे। अपने राजनीतिक जीवन में विधायक हरबंस कपूर ने लगातार 8 बार चुनाव जीतकर साबित किया कि वो न केवल जमीनी पकड़ वाले थे बल्कि अजय भी थे। वो हरबंस कपूर ही थे जिन्होंने अविभाजित राज्य में बीजेपी का खाता खोला था। वरिष्ठ विधायक और जनता से जुड़े रहने की वजह से वो अपने समर्थकों और क्षेत्रीय जनता में हमेशा पॉपुलर बने रहे। 7 जनवरी 1946 को जन्मे हरबंस कपूर एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कैंट विधानसभा सीट से विधायक भी थे। कैंट क्षेत्र में उनका ही दबदबा रहा है। उन्होंने लगातार 8 बार इस सीट पर काबिज हो रहे हैं। इससे जनता के बीच उनकी पकड़ का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि हरबंस कपूर साल 2007 से 2012 तक उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1985 में उन्हें पहली बार हार मिली थी लेकिन उसके बाद से कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे और लगातार 8 बार विधायक वो बने। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी में आज शोक की लहर देखने को मिल रही है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर का निधन हो गया है। बीजेपी का खाता खोलने वाले हरबंस कपूर ने वही थे जिन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी का खाता खोला था। तो ऐसे में उत्तराखंड में जिस तरह से आज बीजेपी में शोक की लहर देखने को मिल रही है, वही क्या कुछ वहां पर हो रहा है और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, ज्यादा जानकारी देंगे उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से आज ये उत्तराखंड में शोक की लहर देखी जा रही है, देखिए जानकारी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाई है कि हरबंस कपूर का निधन किस वजह से हुआ है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास सुभाष? मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद सुभाष से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज ये बड़ी बेहद दुखद खबर सुबह सुबह आई जब पता चला कि 8 बार रहे विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। ऐसे में आपको बता दें काफ़ी मजबूत पकड़ रखने वाले हरबंस कपूर थे, साथ ही बीजेपी में एक बहुत अच्छे और बड़े नेता के तौर पर भी हरबंस कपूर को देखा जाता था। लगातार 8 बार वो विधायक रहे कैंट सीट से, क्षेत्र से वो बीजेपी विधायक रहे। जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा से सजग वो रहते थे और साथ ही आपको बता दें इसीलिए किस तरह से वो जनता के मुद्दे उठाते थे, जनता के लिए काम करते थे और इसीलिए जनता में भी आज शोक की लहर देखी जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें बीजेपी के तो तमाम नेता उत्तराखंड में उन्हें श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष भी पूरी तरह से श्रद्धांजलि देता हुआ आज नजर आ रहा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर को। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी श्रद्धांजलि तमाम बड़े नेताओं की तरफ से दी गई है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर का जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सुभाष, जिस तरह से आज सुबह बेहद दुखद खबर आई है उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का निधन हो गया, देखिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हरबंस कपूर का निधन किस वजह से हुआ है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है क्या? जा सकता है कि पौधे से पेड़ बनाने को भाजपा में उत्तराखंड में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था तब से वो राजनीति करते हैं और छात्र जीवन से लेकर अभी तक वो कोई भी अपना चुनाव नहीं हारे, चाहे वो छात्र राजनीति का हो या फिर विधानसभा का हो, अभी तक कोई भी चुनाव वो नहीं हारे हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में उनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्हें शहरी विकास मंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश की सरकारों में, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड हुआ उसके बाद से ही हरबंस कपूर बड़े नेताओं के तौर पर देखने को मिले। और जब पहली बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी 2007 में, तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी वो भूमिका बेहद अच्छी से निभाते हुए नजर आए। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के बाद जब उत्तराखंड अलग हुआ तो वो देहरादून शहर जो सीट थे उससे चुनाव लड़ते थे और जीतते हुए नजर आते थे, लेकिन
धीरे धीरे परिसीमन के बाद उन्हें देरा खास की सीट मिली, उस पर भी वो जीते हुए नजर आया। 2012 में जब इस सीट को कैंट में तब्दील कर दिया गया, यानी कि परिसीमन के बाद कैंट विधानसभा बनाई गई, तो लगातार 2012 से लेकर अब तक वो जीतते हुए नजर आ रहे थे और कहा जा सकता है कि जनता के बीच एक अच्छी पकड़ रखने वाले नेता थे और काफ़ी शांत स्वभाव के माने जाते थे। यही वजह थी कि जनता उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और लगातार जिताकर विधानसभा पहुँचाती थी। जी बिल्कुल सुभाष, और सिर्फ देखिए जनता ही नहीं पूरे उत्तराखंड में उनकी एक अच्छी पकड़ थी। अगर देखिए इसीलिए आज यही वजह है कि किस तरह से उनकी एक अच्छी पकड़ रही, कितने वरिष्ठ वो नेता रहे, यही वजह है कि आज विपक्ष भी श्रद्धांजलि दे रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तरह से श्रद्धांजलि दी गई है और कांग्रेस की तरफ से भी आज जो रैली का आयोजन किया जाना था चुनाव प्रचार के लिए वो भी स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में शोक की लहर और ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके घर पहुंचे थे, श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की थी। तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम विधायक, भाजपा के सभी सीनियर लीडर और ये कहा जाता था संगठन के तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे थे। बड़ी चीज़ ये है कि शांत स्वभाव के थे, सबको पसंद थे, सबके लिए बेहतर काम करते थे और ये कहा जाता है कि राजनीति में वो कोई इच्छा नहीं रखते थे क्योंकि इतने सीनियर लीडर थे। लगभग 8 बार से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे विधानसभा को और विधानसभा वो पहुँचते थे, तो उनके अंदर जो इच्छा थी, जो कहा जा सकता है कि जो मांगे होती हैं कि जिस तरीके से जो विधायक 2 बार बनते हैं 3 बार बनते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन हरबंस कपूर उन नेताओं में नहीं थे। वो कहते थे कि पार्टी का जो आदेश होगा उसको हम पूरा करेंगे और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, चाहे वो विधायक के तौर पर हो या फिर किसी कार्यकर्ता के तौर पर। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजनीति में बड़ी चाह रखने वाले नेताओं में से नहीं थे क्योंकि 8 बार से विधायक वो थे तो मुख्यमंत्री की दावेदार भी करते हुए वो आज तक नजर नहीं आए। इसके साथ ही 2017 में जब भाजपा जीती उत्तराखंड में तो उम्मीद ये की जा रही थी कि हरबंस कपूर को कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा क्योंकि काफ़ी सीनियर लीडर हैं भाजपा के, लेकिन उन्हें कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया। उसके बाद भी उनकी नाराज़गी कहीं नज़र नहीं आई। उनके एक ही बयान था कि क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ तो कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करूँगा। हालाँकि कैंट विधानसभा सीट के कई कार्यकर्ताओं का रोष जरूर नज़र आया था, वो नाराज़ ज़रूर नज़र आ रहे थे कि इतने सीनियर लीडर को सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन हरबंस कपूर ने उन कार्यकर्ताओं को भी समझाया और सबको शांतिपूर्वक रखते हुए वो नज़र आए। शांत स्वभाव के इसीलिए वो माने जाते थे और यही कारण था कि जनता के बीच बेहद अच्छी पकड़ रखते थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैंट विधानसभा की जो जनता थी वो उनको अपना नेता मानती थी, उन्हें बहुत पसंद करती थी। कैंट विधानसभा का ऐसा कोई घर नहीं था जहां हरबंस कपूर नहीं पहुंचते थे, जिनको वो नाम से ना जानते हों। बड़ी चीज़ ये है कि रात को अगर 2 बजे भी किसी का फ़ोन उनको आता था तो वो अपना स्कूटर निकाल कर उनके घर पहुँचते थे और उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करते थे। जी बिल्कुल सुभाष, और देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्कूटर निकाल कर ही लोगों के घर पहुंचकर उनकी मदद करते थे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने अच्छे स्वभाव के थे। और जिस तरह से आप भी लगातार ये बता रहे हैं कि बहुत ही शांत स्वभाव हरबंस कपूर का रहा था, तो देखिए इसी से पता चलता है कि एक नेता, जो असली नेता होता है वो वही होता है जो जनता के बीच जाकर उनकी बातों को समझे, उनकी बातों को सुने। और देखिए शांत स्वभाव उनका था, कभी उनकी नाराजगी पार्टी से नहीं थी और यही वजह है कि इसीलिए कभी भी वो कुर्सी के लिए लड़ते हुए नजर नहीं आते, पार्टी जो जिम्मेदारी देती थी उसे ही बखूबी वो निभाते थे। जी बिल्कुल, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे, चाहे उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली हो उत्तर प्रदेश में तो वो मंत्रालय उन्होंने बेहतर तरीके से संभाला। जब उत्तराखंड बना तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया तो अध्यक्ष की भूमिका में बेहद अच्छी तरीके से वो कार्य करते हुए नजर आए और एक विधायक के तौर पर तो उनकी भूमिका बेहद अलग थी उत्तराखंड में, क्योंकि वो ऐसे विधायक थे जो कभी जनता से नाराज नहीं हुए, जनता उनसे नाराज़ नहीं हुई, जनता के लिए उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी जो छवि थी वो इसी से साबित हो सकती है कि जितने भी चुनाव उन्होंने आज तक लड़े एक भी चुनाव वो नहीं हारे, यानी कि जनता उन्हें पसंद करती थी, चाहे कांग्रेस के समय की बात हो या भाजपा के समय की बात हो। हरबंस कपूर एक ऐसा नेता थे जिस पर भाजपा टिकी रहती थी, जिस पर भाजपा का कहना था कि ये सीट हम कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि उनका वर्चस्व अपनी विधानसभा में अपने जनता के लोगों के साथ इतना अच्छा था कि तमाम जो लोग हैं वो उनके घर पहुंचते थे, विधायक खुद उनके घर जाते थे, कोई भी समस्या आती थी, जैसे मैंने बताया कि स्कूटर पकड़ कर वो लोगों के घर तक पहुंचते थे, चाहे रात के 2 बज रहे हों या फिर रात के 3 बज रहे हों, वो किसी भी समय जनता के लिए खड़े रहते थे। और यही कारण था कि लगातार
वो जीतते हुए विधानसभा पहुंच रहे थे और जनता का जो प्यार है वो उन्हें मिलता रहता था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से वो सब कुछ विधायक भी वो रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट देने वाली थी? ये की जा रही थी कि वो एक बार फिर 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं कैंट की जनता के कहने पर, लेकिन क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो जो क्षति कैंट की विधानसभा में जो लोगों को देखने को मिल रही है वो भी साफ तौर से नज़र आ रही है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि तमाम नेता, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उनके घर पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के। जी बिल्कुल सुभाष, और देखिए अब सुबह ये बेहद दुखद खबर आई कि हरबंस कपूर का निधन हो गया। अगर अंतिम संस्कार की बात की जाए तो अंतिम संस्कार कब तक होगा उनका? सुभाष मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। सुभाष अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम उनके आवास पर चल रहा है और तमाम जो भाजपा के नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता हों या फिर ये कहा जा सकता है जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग उनके घर पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कुछ देर बाद ये कहा जा सकता है कि उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि बड़े नेता थे, जनता उनको प्रेम करती थी, तो तमाम जो क्षेत्र की जनता है वो भी उनके घर पर पहुंच रही है। तमाम जो बड़े नेता थे, विपक्ष के नेता थे, सभी लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि उनको देने के लिए। और कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा और तमाम जो पुलिस प्रशासन है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो भी उनके घर पर चार चौबंद कर दी गई है। जी जी चलिए ठीक है सुभाष, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में उत्तराखंड से ये बेहद अहम और दुखद खबर सामने आई है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। कैंट सीट पर वो काफ़ी मजबूत पकड़ रखते थे और ऐसे में इसीलिए जनता के बीच भी काफ़ी ज़्यादा पसंद वो किए जाते थे। इसीलिए आज शोक की लहर पूरे उत्तराखंड में देखी जा रही है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हर कोई हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है।